बिहार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सितारगंज में ग्रामीणों का कहना है कि अगर पक्की सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि गांव की सड़कों की हालत ये है कि सड़क पर धान की रोपाई की जा सकती है। वर्षों से आस लगाए बैठे हैं कि इस बार जरूर पक्की सड़क ग्रामीणों को मिल जाएगी, लेकिन हर बार कोरी कल्पना और झूठे वादे जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता व ग्राम सभा बरखेड़ा के पूर्व प्रधान सरदार महताब सिंह ने बताया कि 32 साल से पक्की सड़क नहीं बनी है, लगातार प्रशासन से शिकायत भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। लगभग जब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है तब से इस रोड को कोई देखने वाला नहीं है। कहने को सांसद मोदी जी भी कह रखा है, विधायक जो से भी कह रखा है, और पुराने विधायक जो गोपाल सिंह राणा जी थे कांग्रेस के, दो बार यहाँ विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर कोई गौर नहीं की। आज कोई विधायक देखने को तैयार नहीं है तो हमारे जो ब्लॉक प्रमुख क्या देखेंगे। तो गाँव इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी गर्म भरे हुए, ये रोड को देखने वाला नहीं है। काफी प्रयास करने के बाद आज तक खाली झूठे आश्वासन दिए हैं और रोड को बनाने या देखने के लिए कोई। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां हरेला पर्व के मौके पर ग्रामीणों ने पौधारोपण किया है। वहीं विकास खंड अगस्त मुनि की ग्राम पंचायत खोटकी बड़वाड़ी के बुद्धिजीवियों की पहल पर नई सोच के साथ गांव के मध्य पौराणिक जल स्रोतों को बचाने के लिए पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान गाँव के लोगों ने संकल्प लिया है कि वो हमेशा अपने आस पास की जगहों पर पेड़ लगाएंगे। तो रुद्रप्रयाग से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने कई जगहों पर पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि हरेला पर्व के मौके पर पौधारोपण किया गया, साथ ही साथ विकास खंड अगस्त मुनि की ग्राम पंचायत खोटकी भड़वाटी के बुद्धिजीवियों की पहल के साथ नई सोच के साथ गांव के मध्य पौराणिक जल स्रोतों को बचाने के लिए ये पौधे लगाए गए हैं। वहीं गाँव वालों का ये कहना है कि वो हमेशा ही अपने आसपास की जगहों पर पौधारोपण करेंगे। मंगलौर में बकरी के त्योहार को लेकर सीओ ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं सीओ पंकज गोरेला ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने बकरी ईद के त्योहार को लेकर कहा है कि हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस पहुंचे। सीओ ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खुले में पशुओं की कुर्बानी ना की जाए। कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाया जाए। साथ ही बकरीद की नमाज में भी केवल सीमित लोगों को ही ईद की नमाज अदा की जाए। वहीं मुस्लिम द्वारा आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग भी की गई और पुलिस ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है और इस मौके पर डीएम डॉक्टर जोगेंद्र ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी की वितरित की है और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि समस्त जनपदों के कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इस अभियान से व्यापक जन जागरूकता आई है, इससे लिंगानुपात में सुधार भी देखने को मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बेटों की बजाय बेटियां माता पिता का अधिक ख्याल रखती हैं। आजीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर बेटी सफल ना हो। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस को लगातार नशीली दवाओं की शिकायतें मिल रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी की और दवाओं की जांच भी की। इस मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि घीसुपुरा गांव में एक मेडिकल स्टोर अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। पुलिस ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऋषिकेश की ग्राम सभा गढ़ी मैचक के पूर्व प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत पर लगातार जांच का सिलसिला जारी है।
जांच में लाइटों का घोटाला पाए जाने के बाद पूर्व प्रधान पर करीब 24 लाख की रिकवरी भी आई है। पूर्व प्रधान पर रिकवरी का पहाड़ टूटने के बाद ग्रामीणों की दबी आवाज भी बुलंद हो गई। अब ग्रामीण भी खुलकर पूर्व प्रधान के कारनामों की पोल बोलते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से पूर्व प्रधान द्वारा मनरेगा के कार्ड पात्र व्यक्तियों के बनाए गए हैं। देखो, हम लोगों ने पहले भी इसमें जो है शिकायत डाली थी और कई बिंदु इसमें जांच के दिए थे, जिसमें कि सबसे जो मुख्य बिंदु था जो स्वजल द्वारा जो बनाए गए शौचालय थे, और आज तक लोग क्या है जो इसके पात्र व्यक्ति थे इनको डरा धमका के इनको चुप करता था, लेकिन अब ग्रामीण लोग भी सब खुलकर सामने आ रहे हैं जो इसके पात्र व्यक्ति थे और जो इस जिनको इसका लाभ नहीं मिला वो लोग भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सामने अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हमें शौचालय नहीं मिला है। और इसी प्रकार मनरेगा के भी जो 800 कुछ कार्ड इन्होंने बनाए हैं और मनरेगा का कार्य इन्होंने स्वयं अपनी जेसीबी के द्वारा किया है, स्वयं ठेकेदारी करके किया है और लोगों के जॉब कार्ड भर के और उनके खातों में पैसे डाल के और उनसे पैसे निकलवा कर ये स्वयं उस पैसे का उपयोग करते। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भोपाल नटिया को कबीना मंत्री रेखा हटाए जाने से जनता में काफी नाराजगी दिखी है। मंत्री रेखा ने डॉक्टर नटिया को इसलिए पत्र हटा दिया क्योंकि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान फोन कॉल रिसीव कर लिया था। इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कठोर निंदा भी की है। वहीं लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर नटिया अपनी ईमानदारी और कार्यनिष्ठा के लिए जनता के बीच जाने जाते हैं। तो अल्मोड़ा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम गोपाल नटियाल को कबीना मंत्री रेखा आर्य द्वारा हटाए जाने से जनता में नाराजगी दिखी है। मंत्री रेखा आर्य ने डॉक्टर नटियाल को इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान फोन कॉल रिसीव कर लिया था और इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कठोर निंदा की है। वहीं लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर नटियाल अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जनता के बीच जाने जाते हैं। कि डॉक्टर नटियाल जैसे सज्जन आदमी उनको यहाँ से हटा देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये एक राजनीतिक स्टंट था जहाँ की वो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते थे, कुछ करने की इच्छा थी। अभी राजनीतिक द्वेष भावना के कारण उनका तबादला। वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। हल्दू चौड़ डूंगरपुर स्थित पंचायत घर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के सचिव एवं नैनीताल जनपद प्रभारी रीता सिंह के द्वारा महिला कांग्रेस की एकजुटता पर बल दिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। तो कैसे मतलब हो जाना, इसका दायित्व मुझे उन्होंने दिया है। आज अच्छी यहाँ पर इससे पहले भी कल नैनीताल में दो विधानसभा नैनीताल और भीमताल विधानसभा में महिलाओं की बैठक हुई। महंगाई के खिलाफ इस तरह के मसलों के साथ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम से जुड़ी बात है, रसोई गैस के दाम बढ़ देखा जाए तो सरसों तेल से लेकर दाल सब्जी हर चीज के दाम। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूंकने के साथ ही जमकर नारेबाजी की है। महिला नेत्री ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार दिन पर दिन महंगाई बढ़ाती जा रही है और रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वरिष्ठ महिला नेत्री संध्या ज्यादा कुछ ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों के उखाड़ फेंकने का भी लगातार आह्वान दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो है महिलाएं, क्योंकि उनको घर गृहस्थी
चलाना मुश्किल हो गया। एक तो कोरोना काल की वजह से लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, लोग रोजगार तो छीन चुके हैं, फिर उसके बाद देखिए महंगाई चरम सीमा पे, इंसान खाएगा क्या? या तो इंसान बीमारी से मरेगा, बीमारी से नहीं मरेगा तो भूख से मरेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज हर चीज में देखो रोजगार है। मैं सबसे ज्यादा ये कहना चाहती हूँ, इस समय हमारे पूरे देश में COVID-19 की दो लहरें आगे चले गई और तीसरी लहर का अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर जल्दी हमारे देश में आने वाली है, तो उसके लिए अभी भी कोई भी ऐसी स्वास्थ्य की कोई पुख्ता यहाँ पर उपाय नहीं किए गए। मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से, जिस तरह से आपने चुनाव लड़ते समय बड़ी बड़े वादे किए अच्छा दिलाने के, युवाओं को रोजगार देने के, तो वो अच्छा। वहीं बाजपुर में खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा था, जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक ने निराधार बताया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक महिला ने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें लेफ्ट ओवरी में गांठ दिखाई दी थी, लेकिन गलत टाइपिंग की वजह से पता गया था, जिसके बाद पत्रकार के द्वारा लैब मालिक को धमकाया जा रहा है और सेंटर को बदनाम करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। वाजपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर लैब संचालक पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक ने निराधार इसको बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों एक महिला ने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें लेफ्ट ओवरी में गांठ दिखाई दी थी, लेकिन गलत टाइपिंग की वजह से रिपोर्ट में पथरी लिख गया। वहीं इसके बाद पत्रकार के द्वारा लैब मालिक को धमकाया जा रहा था और सेंटर को बदनाम करने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी। वहीं चमोली जिले के 9 ब्लॉक ठेकेदारों ने भुगतान न होने के चलते जिला पंचायत कार्यालय गोपेश्वर में तालाबंदी कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई साल से विभाग के द्वारा उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा, जिससे कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि जब उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भूख हड़ताल करेंगे। साथ ही इससे पहले भी वो विभाग से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2019-20 में विभिन्न विकास खंडों के ठेकेदारों के द्वारा जिला निधि के जो मत होता उसमें किया गया था, बहुत जुर्म कार्य थे, कहीं पर पैदल पुल थे, कहीं इनके अपने निजी भवन थे, उनके ठेकेदारों ने अपने जो पैसे उनको खर्च करके इनके भवन बनाए, पुल बनाए, और मुझे लगता है कि हमने लगातार इनसे पत्राचार करते हुए भी ना तो लिखित रूप में आश्वासन देते हैं कि भाई आप लोगों के इस प्रकार से जो पत्राचार हुआ था इसका जवाब भी है, ये एक काम करने में असमर्थ हैं। और जबकि जिला पंचायत निधि में पर्याप्त पैसा है, माननीय जिला अधिकारी महोदय को इसके माध्यम से हमने राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और इनके पचास सारे चमोली से आपको एक बता जहाँ पर ठेकेदारों ने जिला पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी करी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि कई साल से विभाग के द्वारा उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ठेकेदारों का ये कहना है कि जल्द उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही से पहले भी वो विभाग से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनका बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के गंगा घाट पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। वहीं इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाट और आसपास के इलाकों में सख्त कार्रवाई कर रही है। हर की पौड़ी क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि गंगा घाटों पर किसी प्रकार का हुड़दंग, नशा और गंदगी ना करें। अगर ऐसा करते हुए कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में हुड़दंगियों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाट और आसपास के इलाकों में सख्त कार्रवाई कर रही है। हर की क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि गंगा घाटों पर किसी प्रकार का हुड़दंग, नशा और गंदगी ना की जाए। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़े जाने की मांग को लेकर मृतक महिला के परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया है। बीते शुक्रवार को मुरादनगर में रहने वाली महिला की उसके देवर ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दौलतपुर निवासी 30 वर्षीय दीपा की शादी 3 वर्ष पहले कोटा मुरादनगर निवासी विपिन से हुई थी। दीपा के 2 वर्ष का एक बच्चा है और वो 6 माह की गर्भवती थी। शुक्रवार शाम दीपा को उसके देवर ने पीट पीट कर मार डाला और 2 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग करते हुए मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन भी किया है। पौड़ी जिले के तराई गंगा इलाके में वन विभाग की जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। दूसरे राज्यों से आकर लोग यहां पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहले ही यहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, मवेशियों को चारा मिलने में भी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में ये लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।